हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं भिंडी, क्रंची और मसालेदार भिंडी, जो बहुत जल्दी बन जाता। इसको बनाने के लिए पहले हम लोग एक मिक्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ले लिए दही, इसमें डाले अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, और अब डाले इसमें अपना पाउडर मसाले, जिसमें लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये भिंडी बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही नई रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मिक्स तैयार हो चुका है मैरिनेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए, लिए भिंडी, इसको धो के इस तरह से बीच में चीरा लगा लिए पानी को पोंछ के। ये देखिए, अब इन सब को सारी भिंडियों को इस मसाले में हम लोग मैरिनेट करेंगे। हाथों की मदद से हम लोग इसको अच्छे तरीके से एक एक भिंडी में को मसाले में कोट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मसाला सारे भिंडियों में बहुत अच्छे तरीके से कोट होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा भिंडी मैरिनेट हो चुका है, तो इसको अब हम लोग आधे घंटे के लिए रख देंगे। और ये देखिए, यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, हमारी भिंडी बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए, अब इसको हम लोग बनाने चलते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे लिए कढ़ाई, उसमें डाले सरसों का तेल, और इसमें अब डाल रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना जब बहुत अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ भिंडी। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का नया नया रेसिपी देखने के लिए। हमारी भिंडी बहुत अच्छी बनके तैयार हुई, इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। भिंडी को तेल में डाल के इसको तेज फ्लेम पे हम लोग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, लगातार चलाते हुए तेज फ्लेम पे हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी भिंडी यहाँ पे 2-3 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम लोग इसको स्लो आंच पे ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे बीच बीच में इसको चलाना है ढक्कन हटा हटा के 1-2 मिनट के बाद, नहीं तो ये भिंडी चिपक जाती है नीचे से। अगर आपके पास बाहरी तले की कढ़ाई है तो आप उसमें बनाइए। ये देखिए, इस तरह से इसको नीचे से जो मसाला चिपक गया उसको अच्छे तरीके से इस तरह निकाल लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स, सब कुछ भी नहीं जाएगा, ये इसी में पकेगा। ये देखिए, हमारी भिंडी यहाँ पे लगभग तैयार हो चुकी है। इसको तेज फ्लेम करके थोड़ी देर और भून लेंगे।
जो नीचे मसाला चिपक गया उसको अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से, है ना। अब हम लोग इस भिंडी में डालेंगे नींबू, हाफ नींबू यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हाथों की मदद से निचोड़ लेंगे, सारा सीड्स निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ये चटपटी सी क्रंची सी भिंडी बहुत टेस्टी बनती है, इसको आप दाल चावल रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए नींबू के रस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमारी भिंडी हो गई है रेडी। यहाँ पे हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे और मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी भिंडी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और ये देखिए ये सब्जी कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ।